लेकिन साथ साथ आप अपने पूरे डाइट प्लान के अंदर ऐसा कीजिए, नेचुरल चीजों को अडॉप्ट कीजिए। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए, रोज मैं किसी न किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूं, तो अब थोड़ा सा नेचुरल लाइफ के बारे में बात करता हूं, नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में बात करता हूं। सबसे अच्छा होते हैं नेचुरल ऑयल। तो नेचुरल ऑयल में सबसे अच्छा सरसों का तेल, दूसरा होता है ग्राउंडनट, तीसरा होता है उसके अंदर जो है कपासिया, जिसको जो है कॉटन सीड बोलते हैं, फिर जो है सेसमे तेल, ये नेचुरल ऑयल है। कोकोनट ऑयल, उसमें भी वर्जिन क्वालिटी का हो तो और अच्छा होता है। दूसरे ऑयल होते हैं फिजिकल रिफाइंड ऑयल, तीसरे सबसे घटिया दर्जे के होते हैं वो केमिकली रिफाइंड ऑयल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हम गाय के घी से लेकर के नेचुरल ऑयल से लेकर के फिजिकल रिफाइंड ऑयल से लेकर के रिफाइंड ऑयल तक भी उपलब्ध कराते हैं, लोगों ने आदत खराब कर ली है। कितनी बुरी बात है, बोले तेल होना चाहिए लेकिन उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, कोई इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें फ्लेवर, कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे हमने अपने आदतें खराब कर ली। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नेचुरल ऑयल, नेचुरल फैट, ये सबसे अच्छा है। अब नेचुरल अनाज, खाने पीने की चीजें, अब के बर्गर, पिज्जा, कोको कोला, पेप्सी, पता नहीं क्या क्या पीते रहते, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी फास्ट फूड है, जितने भी जंक फूड है, ये छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ये मैं कहता हूं, एक ड्रग माफिया, एक ये फूड माफिया, ये अलग अलग माफिया है, ये नशा बेचने वाले माफिया, इनसे अपने आप को बचाइए। तो आप नेचुरल खाने पीने की चीजें, जितना हो सके ऑर्गेनिक खाना खाइए, जितना हो सके कच्चा खाना खाइए, सलाद खाइए, पहले सलाद, फिर फल, फिर पका हुआ खाना। अब क्या करें, आजकल शाक सब्जियां सब में यूरिया, डीएपी, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब जहर डाल दिया है। तो नेचुरल खाने पीने की चीजें, आज का आपका संदेश मुझे यही लग रहा है, नेचुरल घी की प्राकृतिक चीजों को अपनाएं।